बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी तक औलाद से महरूम थे। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला की बारगाह में फर्जंद के लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उनको तसल्ली दी। और ये दुआ इस तरह कबूल हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छोटी बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हामला हुई। बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाँ बेटा पैदा हुआ और फरिश्ते की बशारत के मुताबिक उसका नाम इस्माइल रखा गया। हजरत हाजरा के बतन से इस्माइल का पैदा हो जाना हजरत सारा पर बेहद शाक गुजरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली और बड़ी बीवी कदीम से घर की मलका हाजरा छोटी बीवी और उनकी खिदमत गुजार, ये सब बातें थीं जिन्होंने बुशरा तकाजे के पेशे नजर इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत को हजरत सारा अलैहिस्सलाम के लिए सुहान रूह बना दिया था। इसलिए सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि हाजरा और उसका बच्चा इस्माइल मेरी निगाह के सामने ना रहें, उनको अलहदा किसी जगह ले जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये इसरार बेहद नागवार गुजरा, मगर अल्लाह ताला ने उनको मुतला किया कि हाजरा इस्माइल और तेरे लिए मसलिहत इसी में है कि सारा जो कुछ कहती है उसको मान ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और उसके शीरखोर बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले और जहाँ आज काबा है उस जगह एक बड़े दरख्त के नीचे जमजम के मौजूद मकाम से बालाई हिस्से पर उनको छोड़ गए। वो जगह वीरान और गैर आबाद थी और पानी का भी नामो निशान ना था, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुश्कीजा पानी और एक थैली खजूर भी उनके पास छोड़ दी और फिर मुंह फेर कर रवाना हो गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे ये कहती हुई चली आई कि ऐ इब्राहीम, तुम हमको ऐसी वादी में कहाँ छोड़कर चल दिए जहाँ ना आदमी है ना आदमजाद और ना कोई मुनस व गमखार। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बराबर ये कहती जाती थी मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश चले जा रहे थे। आखिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, क्या तेरे खुदा ने तुझको ये हुक्म दिया है? तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये खुदा के हुक्म से है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो कहने लगी, अगर ये खुदा का हुक्म है तो बिलाशुब वो हमको जाया और बर्बाद नहीं करेगा। और फिर वापस लौट आई। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि जब बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे छोड़कर चले तो उनकी तरफ कोई अल्तफात भी ना किया, तो बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, ए खलील, आप हमको किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? फरमाया, अल्लाह के। बीबी साहिबा ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया है? फरमाया, हाँ। बीबी साहिबा ने कहा, फिर मुझे अल्लाह काफी है। और जब पानी की तलाश में मरवा पहाड़ी पर आवाज सुनी तो खामोश होकर मालूम करने लगी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मालूम करने के बाद आवाज की तरफ आई तो देखा कि जमजम की जगह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने भी बीबी साहिबा से पूछा कि तुम कौन हो? बीबी हाजरा ने फरमाया, मैं हाजरा हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लड़के की माँ हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस बयाबान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुमको किसके सुपुर्द कर गए हैं? आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह ताला के। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह ताला ही काफी है। बीबी ने फरमाया कि मेरा काम हो गया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी जमीन पर रगड़ी तो पानी का चश्मा उबल पड़ा। इब्ने कसीर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा हाजरा पर रहम करे, अगर वो उस वक्त बंद ना लगाती तो जमजम जारी चश्मा होता। फिर एक फरिश्ते ने बीबी हाजरा को तसल्ली दी कि तुम खातिरे जमा रखो, यहाँ खाना खुदा है, उसको ये बच्चा जवान हो कर अपने बाप के साथ मिलकर तामीर करेगा और खुदा उस जगह रहने वालों को जाया नहीं करता। वहाँ एक टेला था, उसके आसपास बरसाती नाले बहा करते थे। इत्तफाकन जरहम कौम का एक काफिला यमन की तरफ से आया। उन्होंने दूर से देखा कि उनके ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं। वो काफले वाले कहने लगे कि जहाँ परिंदे उड़ रहे हैं वहाँ पानी जरूर होगा। पहले तो हम कई दफा आए हैं, ऐसा
ऐसा कभी नजर नहीं आया। एक आदमी को पता करने के लिए भेजा। उसने देखा कि एक औरत बमा बच्चे की बैठी है और पानी का चश्मा है। वो काफिला वहाँ आ गया और बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इजाजत चाही। बीबी हाजरा ने तन्हाई से बचने के लिए उनको रहने की इजाजत दे दी, लेकिन पानी का तसर्रुफ अपने ही इख्तियार में रखा। वो लोग वहाँ आकर आबाद हो गए और एक छोटा सा गांव बन गया। कुछ और लोग भी वहाँ आकर बसने लगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से अरबी सीखी। जब खतना का हुक्म आया तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 बरस थी और कससुल कुरान में है कि उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल थी। आप अलैहिस्सलाम ने 80 रोज अपना और अपने तमाम नौकरों और गुलामों का खतना किया। आपने खुदा के हुक्म की तामील में इस कदर जल्दी की कि घर में एक शीशा था, उसी के साथ अपना खतना किया। जब सख्त तकलीफ हुई तो जनाब इलाही में दुआ की। हुक्म हुआ कि तुमने जल्दी की, अभी तक तुमको तरीका ना बतलाया था, तुमने खुद अपने आप को हलाकत में डाला। अर्ज किया, इलाही मैंने तेरे हुक्म में तवक्कुफ करना जायज ना समझा। और बहकी में है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का खतना 7वें रोज किया था और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का 13 बरस की उम्र में किया था। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का खतना भी 7वें रोज किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खतना का तरीका जारी किया है। इससे पहले पैगम्बर खतना शुदा पैदा होते थे। हमारे पैगम्बर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना शुदा नाफ बरीदा पैदा हुए थे और सफेद बालों वाले भी। सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। सफेद बाल देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि इलाही बालों को ये क्या हुआ? खुदा ने फरमाया, ये वकार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले लबों के बाल और बगल के बाल और जेरे नाफ बाल कटाए, नाखून कुतरे, शलवार पहनी, खजाब लगाया, हिना लगाई और खुतबा मिंबर पर पढ़ा, आसा हाथ में लिया और राह खुदा में जिहाद किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को रोमियों ने कैद कर लिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रोमियों से जिहाद करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम को छुड़ाया। और आप अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे। अपने मकान के 4 दरवाजे बनवाए ताकि चारों तरफ से मेहमान आए। जब मेहमान ना मिलते तो अपने मकान के चारों तरफ से एक एक कोस तक मेहमानों को तलाश करते। मसनद इमाम अहमद में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि इलाही सिवाय मेरे जमीन पर कोई नहीं कि तेरी इबादत करे। हक ताला जले शानू ने 3000 फरिश्ते भेज दिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इबादत करें। सुरेत सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया और शीर माल भी पकाया। मर्द से मर्द मुआनका करते हैं, ये दोस्ती की अलामत है। ये भी सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। तज़करतुल अंबिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी तमाम अंबिया कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।